गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम हमारा चैप्टर कर रहे थे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, आज भी हम वही करेंगे। और हमने ये देखा था कि जो माया थी उसने अपनी छुट्टी का वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती थी, और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी ना किसी तरीके से जो मिस्टर नाथ है उनके बारे में कुछ ना कुछ पता लगाकर ही रहेगी। तो हम पार्ट टू करेंगे आज इसका। आई रोट इन लार्ज बिग लेटर्स, मैंने बड़े बड़े लेटर्स में लिखना शुरू किया। कैचिंग अ क्रूक, क्रूक यानी चोर को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव और मंझे हुए डिटेक्टिव जासूस कौन है? निषाद एंड माया पंडित बाय द अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। बाय द अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि जिनको इन्होंने क्या किया है, चूज किया, किन लोगों ने इन्हें चूज किया है, पूरी दुनिया ने, क्योंकि वो अपने आप ही बने थे। किसी ऐसा तो है नहीं कि मदर ने चूज किया था या किसी और ने, वो खुद ही डिटेक्टिव बन गए थे। देन आई बिगिन राइटिंग, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। किसने? माया ने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, अब आधे घंटे के बाद, आई टर्न्ड 7 हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, वो उल्टा लेटा हुआ था, है ना। चिन कप्ड इन हिज पाम, कप्ड का मतलब होता है इस तरीके से अपने पाम्स में कर रखे थे हाथ। रीडिंग कॉमिक्स, क्या पढ़ रहा था वो? कॉमिक्स पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन आई आस्क, तो मैंने उससे पूछा तुम जानना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? वॉट यू वॉन्ट टू नो? He looked up questioningly. वो ऐसे लगा जैसे कोई सवाल पूछने वाला है, ऐसे देखा उसने उसकी तरफ। I have listed up all the facts we know about Mr. Nath. अभी मैंने जितने भी हम facts जानते हैं, जितनी भी हमने जानकारी हासिल की है ना Mr. Nath के बारे में, वो मैंने सारी लिख ली है। Which might help us to trap him, जो कि हमारी मदद कर सकती है उनको पकड़ने में। I said, want to hear? तो उसने कहा क्या तुम जानना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? 7 नॉडेड, उसने गर्दन हिलाई। हाँ, फैक्ट नंबर 1, सबसे पहला फैक्ट, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। सबसे पहला फैक्ट ये है कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, पर पहला नाम क्या है उनका? पहला नाम मतलब पूरा नाम क्या है? जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है नेहा शर्मा, तो मेरा नाम है पहला नाम, फर्स्ट नेम इज माई नेहा एंड सरनेम इज माई शर्मा, तो उनका नाम था मिस्टर नाथ। उनका जो फर्स्ट नेम था वो किसी को पता ही नहीं था, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट नेम जानना है। सेकंड है, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आज, तो निषाद ने पूछा तुम्हें लगता है वो उनका सही नाम है? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं, आई सेड। मोस्ट क्रूक्ड हैव एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, तो बहुत सारे जो चोर होते हैं ना ये अपने नाम अजीब अजीब से रखते हैं, कुछ ना कुछ भाई वाई ऐसे नाम रखते हैं या फिर कुछ अजीब से ही नाम होते हैं, रियल नेम नहीं होते हैं उनके। अब फैक्ट नंबर 2 है, आई रीड ऑन द टीनेंट्स, टीनेंट्स कौन होते हैं? किराएदार, एट शंकर हाउस सेज ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, जो किराएदार वहां पर रहते हैं वो ये कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली है, मैड है, पागल है, अजीब से है। नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 है, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनर्सलेस, वो किसी से बात नहीं करते हैं और मैनर्सलेस हैं, उन्हें बिल्कुल भी तौर तरीके नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया, मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, बट निषाद ने बीच में इंटरप्ट करते हुए टोकते हुए कहा कि वो बात तो करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तुमसे बात करते हैं, मामा कहती है मतलब मदर कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, विनम्र है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, तो मैंने कहा क्योंकि वो हमसे बात इसलिए करते क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, है ना। मैंने उनसे कहा सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि मम्मी जो है हमारी वो उनकी ट्रीटमेंट कर रही है, उनका इलाज कर रही है, ही हैड टू बी पोलाइट, इसीलिए वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो हमारे साथ विनम्र भी हैं बहुत ज्यादा, है ना। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर, 7 नोटेड, फिर उन्होंने बताया फैक्ट नंबर 4 ये है कि उनको किसी का लेटर नहीं आता, मतलब कोई जान पहचान वाला कोई नहीं है, तो 7 ने इस बात पर सर हिलाया। फैक्ट नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन अ रूम ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यू, और पांचवा फैक्ट ये है कि वो शंकर हाउस में पिछले एक साल से सेम ही रूम में रह रहे हैं, है ना। नंबर 6 है,
ही डज नॉट वर्क सिट्स इन रूम होल डे, और वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, सारा दिन एक ही रूम के अंदर क्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं वो। नंबर सेवन, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ मोर ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, और आसपास के जितने भी बच्चे हैं, जितने सारे बच्चे हैं, वो उनसे क्या करते हैं, डरते हैं। जो शंकर हाउस में रहते हैं वो लोग नहीं, उनके बच्चे तो डरते हैं ही, आसपास के जितने भी बच्चे वो भी उनसे डरते हैं। नंबर एट, ही हैज नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, और सबसे लास्ट फैक्ट नंबर एट ये है कि उनसे कोई मिलने नहीं आता, एक्सेप्ट वो एक ही बंदा आता है उनसे मिलने, जो कि है चश्मा लगाता है, लंबा है, चौड़ा सा है, और वो भी सिर्फ संडे को आता है लंच टाइम में, ना कि डिनर टाइम में, सिर्फ लंच टाइम में। और फैक्ट नंबर नाइन है, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, और फैक्ट नंबर नाइन ये है कि जो चाय है, खाना पीना है, वो नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, ना कि वो खुद आते हैं उसे खाने। ही डज नॉट केयर वॉट ही ईट्स, उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो क्या खाते हैं, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, हमेशा अपना बिल वापस टिप देते हैं अच्छे से, और बिल भी उसी टाइम पे कर देते हैं। That's end my list. Have I forgotten anything? Seven. ये यहाँ पर मेरी लिस्ट खत्म होती है। उसने 9 फैक्ट बताए, जो कि सारे फैक्ट से कि उनका नाम क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं, इस तरीके का खाना क्यों खाते हैं, है ना, उनसे कोई मिलने क्यों नहीं आता है। Have I forgotten anything? Seven. मैं क्या कुछ भूल रही हूँ? Seven. उसने अपने भाई से पूछा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आप चैप्टर को रीड करिएगा। That's all for today. Thank you.